एक पढ़ी लिखी बच्ची उन्हें आप वर लभ्या, पढ़ी लिखी सी लभ लिया, पता लग इन्हां दा काम चम दा है, चम समझदे ना, चमड़े दा काम है, ते चमड़े दे काम दे अंदरों बदबू बड़ी आउंदी है। व्याई गई घर अंदर गई, सस ने आखना कि धीए काम कर लै, वो कहती है कि नहीं मैनू बहु बड़ी आउंदी। दो चार दिन बाद सस ने फिर आख्या कि धीए काम कर लै, उन्हें फिर एक जवाब दिता कि मैनू माँ बहु बहुत बड़ी आउंदी है, चुन्नी लैके नक के दुआले बैठी रहना सारा दिन। 15 दिन निकले ने, तो उस नौ ने अपने हाथ के झाड़ू पकड़िया है, तो उसकी सस कहती है वाह गुरु तेरा शुक्र है, इन्हें भी अपने हाथों के झाड़ू पकड़िया है। तो सस धी दे कोल जाके पुछती है नौ दे कोल जाके कि धीए हुण नहीं तैनू बो आउंदी? कहिंदी जी नहीं हुण बो नहीं आउंदी, हुण सब माहौल ठीक हो गया है। माहौल कुछ नहीं ठीक होया, उहदा नक ही मर गया सी, वह आदत पै गई सी, वह आदी हो गई सी उस चीज़ नूं सुंघण दी। जदों कोई भी इंसान किसी चीज़ का आदी हो जाए ना, फिर वो चीज़ उसनू कोई मुश्किल नहीं दिंदी। एक शराबी दे मूँह दे विचों एडी गंदी हवाड़ आउंदी है, मुश्क आउंदी है, पता नहीं वो किवें गटगट करके दारू पी जांदा है। सानू कोल खलोतियां नूं भी बड़ी मुश्क आउंदी है। असी चाहुंदे आ कि असी ऐसे बंदियां दा संग ना करिए, पर उहनां नूं कोई परवाह नहीं, क्यों? आदी हो गए ने। जिहड़ा चीज़ का बंदा आदी हो जाएगा, वह चीज़ के विचों बाहर निकलना जां उसनूं छड्डना यह बहुत औखा है, बड़ा मुश्किल है। संगत मनुख नूं किसी चीज़ के लिए प्रेरित करती है, तो जे संगत रोज़ की जाए तो उस चीज़ का मनुख आदि बन जाता है। महाराज कहिंदे जे संगत ही करनी है तो साधु दी करिया कर। कबीर संगत साध की दिन दिन दूना हेत, यह तो तैनू वाधा करेगी। साकत कारी कांबरी, रब दे नालों टुटे हुए बंदियां दी जिहड़ी संगत है वह तो काली कंबली दे वर्गी है, कि जिसनों जितना मर्जी धो लिया जाए साबण ला के दुध दे विच पा के, पर उहदा काला रंग तो जाता ही नहीं, उहदा तो रंग ही काला है ना। धोए हुए ना सेत, सेत दे अर्थ ने चिट्टा, उसनों धो के चिट्टा नहीं कदी कढ़िया जा सकता। इस करके कबीर साहब कहिंदे ने माड़ी संगत तो बच के रिहा कर। माड़ी संगत का प्रभाव बड़ी छेती मनुख के जीवन के विच पै जाता है।